दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, ऐसा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप में प्रोजेक्ट इनपुट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सुबह एक टेलीग्राम चैनल में एलाइट मोशन लिंक दे दिया हूँ, तो उस एलाइट मोशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये जो एलाइट मोशन ऐप है इसको लॉगिन करना नहीं है, ऐसे ही प्रोजेक्ट को इनपुट करना है। हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट इनपुट करने में दिक्कत हो रही है वो प्रॉब्लम हट जाए, तो एक बार टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना और जो मैं एलाइट मोशन लिंक दे दिया हूँ उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लॉगिन नहीं करना है, बिना लॉगिन किए प्रोजेक्ट को इनपुट करके देखना है। अगर प्रोजेक्ट इनपुट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये एलाइट मोशन को चला लेना। तो दोस्तों आज का प्रीव्यू तो देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों आज मैं पुरुलिया ट्रेनिंग सेट सॉन्ग में बहुत ही सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ, तो प्रीव्यू में देख लिया पहले। दोस्तों आप भी इस टाइप का स्टेटस बनाना चाहते हो, खुद का फोटो लगा के, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह डेली वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंग जो कुछ मैं यूज करता हूँ सभी टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करता हूँ वो सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप में आ गया हूँ, तो अभी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद जो सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से देख लेना वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट है इसमें आना है, और सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो जो बीट है, ये बीट में आपको लिरिक्स लिखना है। और ये जो देखो यहाँ पर जो स्टार लेयर है, ये लेयर में कुछ इस तरह मैं इफेक्ट तैयार करके रखा हूँ, तो इसको अभी बंद कर देना। देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, इसमें भी मैं शेडो बना के रखा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट बीट में आना है। फर्स्ट बीट में आने के बाद जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है वहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरो को टच कर देना। तो दोस्तों अब क्या करना है, देखो फोटो को अगर ठीक से एडिट करना चाहते हो तो मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, और ऐसे करके फोटो को इधर उधर कर लेना, और एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आना होगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, तो फोटो का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ऐसा करके साइड में दबा के रखना होगा, और जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर रखना होगा। तो कुछ इस तरह आपको देख सकते हो शैडो देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो स्टार जो लेयर है उसको खोल देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए जो सेकंड बीट है सेकंड बीट में आना होगा, और ये बीट में आने के बाद सॉन्ग लिरिक्स को लिखना होगा। तो सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना, देखो। तो दोस्तों सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, डबल ए टेक्स्ट में आना होगा, और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा प्ले सी लिखा है, उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो ये जो लिरिक्स है ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो उधर से फर्स्ट जो लाइन है उसको कॉपी कर लेना, और एलाइट मोशन में आ जाना। एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा, तो देखो यहाँ पर जो लिखा है वो मिडिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है रोबोटो रेगुलर, ये ऑप्शन को टच करना है। और ये जो फोन है ये फोन मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और ये फोन को देखो सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रीन डॉट है इसको थोड़ा ऐसा करके बढ़ा लेना, और बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अठारह पीडी ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और अपने हिसाब से जो फोन साइज है उसको बढ़ा लेना। तो देखो मैं 20 पीडी रखने वाला हूँ, और ये जो बॉक्स है ये बॉक्स को टच करना, और ये जो व्हाइट कलर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, और अब क्या करना है, देखो एकदम लास्ट बीट में आना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देखो हमारा जो फर्स्ट जो लाइन है वो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए सेकंड बीट में आ जाना। सेकंड बीट में आने के बाद इसको मिडिल कट कर लेना, ऐसा करके देखो ये जो बीट है बीट के हिसाब से मिडिल कट कर लेना। मिडिल कट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे, तो सेकंड लिरिक्स
देखने के लिए सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना फिर से। सॉन्ग को सुनने के बाद ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, इसको हटा देना। हटाने के बाद फिर नोटपैड ऐप में आ जाना और सेकंड जो लाइन है उसको कॉपी कर लेना। तो ऐसा करके सेलेक्ट कर लेना और कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर से लाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो और कुछ भी एडिट करना नहीं होगा, खाली आपको यहाँ पर टिक ऑप्शन को टिक करना है। तो देख सकते हो हमारी जो सेकंड जो लाइन है वो भी ऐड हो चुका है। तो ऐसा करके आप लिरिक्स को लिख लेना और लिरिक्स लिखने हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोन मेन फोटो में इफेक्ट देंगे। तो मेन फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से देखो ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आना है। और इसमें आने के बाद यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो चार इफेक्ट बंद है तो इसको खोल देना। तो ऐसे आई में जो क्रॉस लगा हुआ उसको हटा देना। तो देखो फर्स्ट में कुछ इस तरह आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है तो लिरिक्स में इफेक्ट देंगे। तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए फिर से बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद यहाँ पर देखो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को कॉपी लेयर कर लेना। तो ये लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके कॉपी लेयर कर लेना और बैक हो जाना, फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आने के बाद ध्यान से देखना है कैसे इफेक्ट को मैं लगाता हूँ। देखो तो ये जो लेयर है लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और यहाँ पर देखो पेस्ट स्टाइल के बगल में जो छोटा सा एक एरो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। ऊपर में जो तीन ऑप्शन है इसको हटा देना, डबल ए जो ऑप्शन है इसको भी हटा देना और पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने को देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो। तो और कुछ भी छिड़के नहीं करना है। तो फिर से आगे जो लेयर है मतलब लिरिक्स है, लिरिक्स लेयर को टच करना है, जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और डायरेक्ट पेस्ट स्टाइल अब कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसा करके जो लिरिक्स है सारे लिरिक्स लेयर में ये इफेक्ट को दे देना एकदम एंड तक। तो लिरिक्स में इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, देखो अब तीन इमोजी ऐड करेंगे शेड वाला। तो प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से तीन इमोजी को ऐड कर लेना। तो आपको मैं दिखाने के लिए तीन इमोजी में ऐड कर लेता हूँ। देखो ये वाला मैं तीन इमोजी ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना और रैपिड ऑप्शन में आ जाना। इसका जो साइज है अपने हिसाब से बढ़ा लेना और जो बॉक्स है बॉक्स ऑप्शन को टच करना। मिडली में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। तो दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा और आगे आ जाना। आगे आने के बाद यहाँ पर रखना होगा, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर इमोजी लेयर को रख देना, उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बीट में आना होगा और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो इमोजी लेयर वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना है, और एक लेयर ऐड करना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और इसमें देखो यहाँ पर एक ग्रुप लेयर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना और इसको कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। इसमें आने के बाद थोड़ा आगे आ जाना और आगे आने के बाद इसको पेस्ट करना है ये लेयर को। तो कुछ इस तरह आपको लाइट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करके ये जो ग्रुप लेयर है उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद एकदम लास्ट में एकदम फास्ट में आ जाना। फास्ट में आने के बाद एक पिंजी बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो ये जो पिंजी बॉर्डर है ये पिंजी बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ। अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना, नहीं हुआ नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और ये पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट में आना होगा। लास्ट में आने के बाद ये ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो पिंजी बॉर्डर है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।